हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक हैं, मस्त हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो पीछे आपने थंबनेल भी देख चुके हैं, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं हमारी टीम के साथ में। पूरे 5 साल के पेपर एनालिसिस किए हैं, AKTU के, RTU के, GTU के, और कौन से क्वेश्चन। वैसे मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये वाला सब्जेक्ट है वो PGDVM के लिए बना है, ये डिग्री कोर्स के लिए बना हुआ सब्जेक्ट। लेकिन MBA में भी इसको ऑपरेशनल में जोड़ा है, कहीं पे कुछ IB इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर भी इसको जोड़ दिया है। तो ठीक है, अब गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक जो है कि पहले, हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको और याद रखनी है कि जब भी आप इसका आंसर राइट करेंगे तो इंटरनेशनल वर्ड या मल्टीनेशनल वर्ड या ग्लोबल, इन तीन टर्मिनोलॉजी का यूज ज्यादा से ज्यादा करेंगे, थोड़ा सा इफेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जरूर बताइएगा कि एग्जाम में कितने आते हैं और आपको कितने आए। सप्लाई चेन ऑफ ग्लोबल ट्रेड फैक्टर्स और ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो सबसे पहले इसमें क्या पूछा जाता है, इसका मीनिंग पूछा जाता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, इंटरनेशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कोविड में धराशायी हो गई, जो हजारों, मतलब ये समझ लो कि दशकों लगे जिस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को खड़े होने में, वो कोविड के समय पे खत्म हो गई। इसी के लिए तो सेमीकंडक्टर की हमारे यहाँ पे शॉर्टेज हो गई थी। तो उसके कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन से रूट्स होते हैं, कैसे वो किया जाता है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, कौन सी संस्था उसको करती है, बेसिक है उसका, ऐसे अपन को याद करके जाना है। नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का टाइप है और ये बेसिकली लॉ है, या आपको इसकी आसानी से थ्योरी मिल जाएगी। नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है ग्लोबल ट्रेड फैक्टर्स के अंदर, इसमें लिखना है, ये नेशनल नहीं लिखना है, इंटरनेशनल, क्योंकि ये नेशनल भी होता है और इंटरनेशनल भी होता है, तो अपन को इंटरनेशनल वाला याद रखना है, याद रखिएगा। क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग द थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक ऑपरेटर, अब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक ऑपरेटर को क्राइटेरिया क्या है, बहुत 6-7 पॉइंट है इसके, कोई ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन ये बड़े के अंदर आता है हमेशा क्वेश्चन। ठीक है, की फैक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड्स एंड ट्रेड ऑफ और ट्रांसपोर्ट मोड्स के की फैक्टर्स बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट तो है ही सारे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। की फैक्टर्स इन द ट्रांसपोर्ट मोड्स एंड ट्रेड ऑफ, मतलब ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि बार बार आएगा ही एग्जाम के अंदर। डिमांड ड्राइवन सप्लाई एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक, डिमांड ड्राइवन कौन कौन से रहते हैं और सप्लाई, डिमांड के ड्राइवर्स कौन से रहते हैं, एज रहती है, कास्ट रहती है, कम्युनिटी रहती है, इनकम रहती है ना, और इसके अलावा परचेसिंग पावर पैरिटी रहती है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें डिमांड ड्राइवर्स रहते हैं और सप्लाई मैनेजमेंट। तो इसके दोनों चीजें डिमांड ड्राइवर सप्लाई इन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में आपको एक्सप्लेन करना है। बेसिकली मैंने सारे बताया, नेशनल के आपको इंटरनेशनल ले जाना है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड, ट्रेन एंड सी, सही को मरीन भी बोलते हैं, है ना, मरीन को भी, हाँ, मोड्स ऑफ कौन कौन से ट्रांसपोर्ट है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक के, भैया हवा से ले जा सकते हैं, ट्रेन से ले जा सकते हैं, बाय सी के रूट से ले जा सकते हैं और बाय रोड को ले जा सकते हैं, ये चारों रूट्स को एक्सप्लेन करना है कितने किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पर फैक्ट एंड फिगर लिखना है आपको, फैक्ट एंड फिगर लिखना है। फैक्ट, सबसे सस्ता कौन सा होता है, सी का होता है, और सबसे महंगा कौन सा होता है, एयर का ट्रांसपोर्ट होता है, याद रखना, चीप होता है वो सी का होता है और सबसे हाई कॉस्ट में होता है वो एयर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इतनी बात याद हो जाएगी ना आपको, है ना। तो और चार ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, क्या सिग्निफिकेंस है, बहुत ही, मतलब ये कह रहा हूं कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है कि सिग्निफिकेंस क्या रहते हैं, एडवांटेजेस भी पूछा जा सकता है तो भी यही लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लो तो भी यही लिखना, सिग्निफिकेंस पूछे तो ये लिखना। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स में सर सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं, अरे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ओवरलैप करते हैं, है ना। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द इंटरनेशनल लॉजिस्टिक, ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, वो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 8वां क्वेश्चन है, है ना। कितने आ रहे हैं आपको ये देख लीजिएगा, आप अभी कितने पानी में हैं वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। द नेचर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, द नेचर कौन सा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गवर्न कर रही है कि कौन सा कर रही है, IMF गवर्न कर रही है, कौन सी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का, इसका नेचर क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबके साथ फेयर होना चाहिए, ट्रेड गवर्न होना चाहिए, ठीक है, इंश्योर्ड होना चाहिए, कौन सी इसकी बेसिक, कुछ नहीं, केवल 10 लॉ लिख देने, 10 रूल्स आप लिख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, केवल 10 रूल लिख लो, इतना ही याद रख लो कि केवल 10 रूल लिखने हैं अपन को, किसके, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के, बहुत इजीली हो जाएगा।
कॉन्ट्रैक्ट और अफ्रेंडमेंट एंड टर्म्स ऑफ डिलीवरी इन कंटेंट स्टैंडर्ड्स, ये एक कहना आखिरी में आया है लेकिन यूनिट फिफ्थ में होगा, ये यूनिट फिफ्थ का बिल्कुल ये प्राण वायु है। जब मैंने किसी क्वेश्चन को कह दिया कि प्राण वायु, तो मतलब ये समझ लीजिए कि वो एग्जाम के अंदर छपने की बहुत ज्यादा मेरी तरफ से संभावना बढ़ जाती है। अगर मैं एग्जामिनर बन जाऊं, मैं इन्वेस्टिगेटर बन जाऊं, तो ये क्वेश्चन तो दूंगा ही, ठीक है। मैंने अभी आपका कोई पेपर सेट नहीं किया मैंने, हाँ दूसरे यूनिवर्सिटीज की पहले बहुत गवर्नमेंट में भी सेट किए हैं, नॉन गवर्नमेंट में भी सेट किए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन रहता है। केवल 10 क्वेश्चन बताए हैं मैंने इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में, आपको कितने आते हैं और एग्जाम में कितने आए, दो क्वेश्चन का जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आपको इन क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस चाहिए तो वो भी बताइए, डिटेल वीडियो इस सब्जेक्ट पे चाहिए तो वो भी बताइए, मैं आपके हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू।